इससे पहले कि कोई मुझे देख ले मैं फार्म हाउस में छुप जाती हूँ। रिपोर्टर्स मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? मेरे प्राइवेट लाइफ का हर एक डिटेल चाहिए उन्हें। सोचते हैं कि इस घर में मैंने किसी बॉयफ्रेंड को छुपा रखा है। वाह, लेकिन वो ये कभी नहीं जान पाएंगे कि सच क्या है। कौन है वहां पे? कौन है वहां पे? कौन है वहां? तुम गई नहीं अब तक? मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुम जाती क्यों नहीं हो मुझसे? मैंने कहा तुम जाती क्यों नहीं हो? मुझे लगा तुम चली गई होगी। मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती तुम? हाँ, अब क्या चाहिए तुम? बोलती क्यों नहीं हो? हाँ, क्या चाहती हो बोलो। मनालिका, तुम्हारा वक्त खत्म। तुम्हें जाना होगा, तुम्हें जाना होगा मनालिका। नहीं, मुझे जाने दो। मेरे पास मत आओ। मेरे पास मत आओ। कहा ना मैंने, छोड़ दो मुझे। All set. Ready? तैयार? Yes. तू? मुझे नहीं लगता ये सब ठीक है। अरे यार, अथर्व को बुलाते हैं। अथर्व को? वही जो कॉलेज के सेकंड ईयर में था, जिसकी मौत का राज कोई नहीं जानता। आज मैं उससे पूछूंगा कि उसकी मौत कैसे हुई। Fantastic. Very good. चल जा, लाइट्स बंद कर, जा जा, आजा फटाफट। सेटल डाउन। ओके, सो रेडी गाइस? हाँ, पता नहीं मुझे मुझे डर क्यों लग रहा है। अरे यार रिलैक्स, अभी ये मैं पहले भी कई बार कर चुका हूँ, कुछ नहीं होगा। जस्ट इजी ब्रीथ, इजी। अब अपनी उंगलियाँ सेंटर में लाओ। अथर्व की आत्मा हमें आवाज दो। 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 मैंने कहा था ना ये मत करो। अबे चुप कर रहे यार। क्या मत? कैसा लग रहा है? एक्साइटिंग, वेरी एक्साइटिंग। अथर्व की मौत का राज आज मैं जानकर ही रहूंगा। रवि, ये मेरी तरफ क्यों बढ़ रहा है? मैंने पहले कहा था ना मत करो। अबे भाग भाग, अबे भाग भाग। तुमने मुझे नींद से जगाया, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। All right, folks, here's the latest and the most in thing in the town. Tarot cards. What? Tarot cards? Yes, wanna try? Hey, Ravikesh. Hey, dude, how's you? Hi, Tushar. Hi. Hi. But tune to apne dad se promise kiya tha na? Yaad hai, promise kiya tha. Bhool gaya. Kya hua tha Amit ke ghar pe?
नहीं अनीता, ऐसी बात नहीं है यार. मुझे अच्छे से याद है कि अमित के साथ क्या हुआ था. बट यू नो व्हाट, मैं जब भी टैरो कार्ड्स या प्लांटेड देखता हूँ, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है यार. आई जस्ट कांट कंट्रोल माय सेल्फ. सिंपल. तू कभी नहीं सुधरेगा ना. आई थिंक सो. ओके ओके, मैम, सीरियसली आई एम लेइंग द कार्ड्स राइट नाउ. ओके, वाओ मॉम, दैट्स ग्रेट न्यूज. गाय चलना, बाद में बात करना. देख रविकेश क्या लाया, जल्दी आ. ओके मॉम, मैं आपसे बाद में बात करती हूं. ओके बाय गाइस. गाइस गाइस, दिस इज ग्रेट न्यूज. क्यों, तेरी शादी की ग्रेट न्यूज? नाइस मोमेंट. मेरी मॉम को किसी रिश्तेदार की प्रॉपर्टी मिल गई है, एक बहुत ही आलीशान फार्म हाउस. वाओ, दैट्स रियली अ ग्रेट न्यूज. और जानते हो वो फार्म हाउस किसका है? किसका? पुराने जमाने की मशहूर हीरोइन मोनालिका का. मोनालिका? मैंने बहुत कुछ सुना है उसके बारे में. ऐसी क्या खास बात थी उसमें? वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ वो अपने वीकेंड स्पेंड करने वहाँ पे जाया करती थी. मेरे मॉम के अंकल ने उनसे खरीदा था. That's great यार, हम लोग भी खेलने के घर पे आके रहेंगे. लेकिन मैंने तो सुना है कि मोनालिका बड़े अजीब तरीके से मरी थी. आई मीन जल के मरी थी. वाओ, ये सब सुनकर ही तो मेरा दिमाग चलने लगता है. पिछली बार मेरा प्लान फेल हुआ था, लेकिन इस बार नहीं. मैं मोनालिका की आत्मा को बुलाऊंगा और ये लोग मेरा साथ. रविकेश क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं, मोनालिका के बारे में सोच रहा था. एनीवेज गाइस, तुम लोग जल्दी से अपनी पैकिंग कर लो, हम आज शाम को ही रवाना होंगे मोनालिका के फार्म हाउस के लिए. सारी पैकिंग हो गई बेटा तुम्हारी? हाँ मॉम. तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें ग्रेट एक्ट्रेस मोनालिका के घर में रहने का मौका मिल रहा है. यू नो, जब मैं तेरी उम्र की थी ना, बहुत बड़ी फैन थी उसकी. मगर मगर क्या मॉम? जिस दिन मुझे मोनालिका के मौत की खबर मिली, बहुत बड़ा धक्का लगा था मुझे. हाँ, ये देखो मैगजीन्स, ये मैंने तब से संभाल के रखी हुई है जिसमें उसकी फोटोग्राफ वगैरह है. देखो, अच्छी है ना? ओह, मैं तो भूल गई थी ना, डिब्बा पैक करना है. मैं किचन में होके आती हूँ. ये तो मोनालिका के घर का फोटो है. सचमुच बहुत खूबसूरत है. मोनालिका के दादाजी मिस्टर घनश्याम जी ही अब मोनालिका के बंगलों के अकेले मालिक हैं. ये मुझे क्या हो रहा है? ये पन्ने अपने आप कैसे पलट रहे हैं? ये मुझे क्या हो रहा है? ये मैं कहाँ आ गई? ये घर किसका है? ये सच है या सपना? ये आग चल रही है, मतलब इस घर में कोई है. ये आग में से कौन निकल रहा है? Oh my God, मेरे पास बताओ. नहीं रुक जाओ, मेरे करीब मत आओ. नहीं नहीं क्या हो रहा है? मैं वहां कैसे? वो अजीब सा इंसान, वो घर, वो आंखें, क्या वो सब सच था या? ये क्या, इस फोटो पे खून? क्या हुआ तानिया? मॉम, मॉम, इस फोटो में कुछ गड़बड़ है. इस फोटो में से अभी भी खून निकल रहा था. इस फोटो कहाँ है खून बेटा? अरे
कहाँ गया? मॉम, अभी-अभी मैंने अपनी आंखों से देखा, इस फोटो में से खून बह रहा था। फोटो में खून, किताब के पन्ने। मुझे लगता है बेटा, तुम्हें जल्द से जल्द फार्म हाउस के लिए निकल जाना चाहिए। I think you need a change. नहीं मॉम, मेरी बात पर यकीन कीजिए। मुझे लगता है तुम्हारा वो दोस्त है ना रविकेश, उसने तुम्हारे फिर से कान भर दिए होंगे डरावनी कहानियों को लेकर। नहीं मॉम, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और इस मैगजीन के पन्ने खुद ब खुद पलट रहे थे। मॉम प्लीज। तानिया, तानिया। देखो, तुम्हारे दोस्त भी आ गए। तानिया, जल्दी आओ। सब कुछ भूल जाओ और जाओ एंड एंजॉय योर ट्रिप। वाओ, इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा। क्या हुआ तान्या? Aren't you excited? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है? नहीं, वो बस ऐसे ही। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है मोनालिका? All right, people, see what I've got. मस्ती का पूरा बंदोबस्त है अपने पास। प्लांचेट, रविकेश नॉट अगेन। यस, प्लांचेट। और आज मैं इस प्लांचेट से मोनालिका की आत्मा को बुलाने वाला हूँ। उसके बाद आप लोग मोनालिका से उसकी जिंदगी के बारे में जो भी सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं। मेरा दिमाग खराब हो गया। तूने अपने डैड से प्रॉमिस किया था ना कि तू इस प्लांचेट को हाथ भी नहीं लगाएगा। हाँ यार, प्रॉमिस किया था, अभी भूल गया। एनी प्रॉब्लम? रविकेश, विकी बिल्कुल ठीक कह रहा है। मोनालिका की आत्मा को बुलाना ठीक नहीं होगा। Now listen Tanya, तू बीच में मत पड़। अगर तू ये सब नहीं करना ना, तो मत करना यार। Guys, I'll make it simple. जिस किसी को इस प्लांचेट का हिस्सा बनना है, just raise your hands. That's it. मैं, maybe. Sounds exciting. Okay. अब थोड़ी देर में हमारे सामने मोनालिका की आत्मा प्रकट होगी और उसके बाद हम उसे जो भी सवाल पूछना चाहें, जो भी बात करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन हमें करना क्या होगा? इट्स वेरी सिंपल। आप लोगों को अपने दाएं हाथ की दूसरी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर प्लांचेट के सेंटर में रखनी होगी और कॉन्सेंट्रेट करना होगा, ठीक है? रविकेश, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तान्या, नाउ डोंट बी अ स्पॉइल्ड स्पोर्ट। तुम लोग सब फंसोगे। ओके ओके, रिलैक्स। शुड वी स्टार्ट? यस। ओके, कम। और अब मैं जो कहने वाला हूं आप लोग मेरे पीछे उसे दोहराएंगे, राइट? मोनालिका की आत्मा, क्या तुम हमें सुन सकती हो? मोनालिका की आत्मा, हमें आवाज। मोनालिका की आत्मा, हमें आवाज। मोनालिका की आत्मा, मोनालिका की हमें आवाज दो। हमें आवाज। मोनालिका की आत्मा, हमें आवाज। मोनालिका की आत्मा, हमें आवाज दो। मोनालिका, क्या तुम इस वक्त इस कमरे में हमारे साथ हो? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? उसके मरने के बाद भी सब लोग उसी को याद करते हैं। अब मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे सब लोग मोनालिका का खुलकर आज से मुझे याद करेंगे। ये गाइस, ये रविकेश का है। I'm sorry guys. I'm really very sorry. मैंने नहीं सोचा था यार ये सब कुछ हो जाएगा, मुझे पता नहीं था। I swear, आज के बाद मैं ये प्लांचेट और ये एरोकार्स को कभी कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी नहीं लगाऊंगा। हाँ रविकेश, तुमने कह दिया और हमने मान लिया। हो जा। I'm serious यार, मैं sorry। बस, बस रविकेश। Hey, stop it! Enough is enough. बहुत हो गया।
आई नीड अ ब्रेक, मैं बाहर जा रहा हूं। ये अचानक ठंड कैसे बढ़ गई? मुझे जल्द से जल्द मुंबई पहुंचकर प्लैंटेड से हुए हादसे के बारे में आर्टिकल लिखना होगा। ये धुआं कहां से आ रहा है? ओह गॉड, ओह माय गॉड, कहीं ये वो तो नहीं? मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को नहीं छोड़ूंगी। तुषार को कहीं देखा क्या? हाँ यार, तुषार कहाँ गायब हो गया? इनफैक्ट वो रूम पे भी नहीं है। गाइस, मैं बहुत देर से उसका फोन भी ट्राई कर रही हूँ, बट ही इज नॉट रिस्पोंडिंग। रिलैक्स गाइस, यहीं कहीं बीच पे गया होगा, डोंट वरी। कमाल है, यूं ही अकेले चला गया, कम से कम इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। मैं एक काम करती हूँ, मैं बंगले के बैकयार्ड में चेक करती हूँ, तुषार जरूर वहाँ पे होगा। तो ठीक है, मैं लॉन में चेक कर लेता हूँ फिर। ठीक है। ये बंगले का केयरटेकर भी कहाँ चला गया पता नहीं। कहीं तुषार को मोनालिका ने तुषार, ये तुषार कहाँ चला गया? अनीता, अनीता, तुषार तुम वहां ऊपर क्या कर रहे हो? अनीता ऊपर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तुषार तुम ऊपर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है हम तुम्हारे लिए कितने परेशान थे, कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, और तुम के ऊपर बैठ के मस्ती कर रहे हो। चलो नीचे आओ, मैं ऊपर नहीं आने वाली हूँ। तुषार तुम सुन रहे हो ना, क्या कर रहे हो तुषार? ये तुषार, 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 रविकेश जल्दी आओ, तुषार, तुषार, तुषार। Oh shit! Yep. ये क्या हुआ? ये oh shit! ये सब तुम्हारे उस प्लांचर की वजह से हुआ है। प्लांचर? मेरे प्लांचर की वजह से? हाँ? रवि, मेरा मुंह मत खुलवा। क्या बकवास कर रहा है? क्या मतलब है तेरा? मुझे पता है। तूने तेरे डैड से प्रॉमिस क्यों किया था कि तू इन चीजों को हाथ भी नहीं लगाएगा? क्योंकि इससे पहले भी तेरा एक दोस्त इसी प्लांचर की वजह से कुर्बान हुआ है। क्या मतलब है तेरा? किसने बताया सबको तुझे? मुझे ये बात खुद तेरे डैड ने बताई, समझा? Oh, damn. Shit. I'm sorry, guys. I'm really very sorry. I swear, मैं आज के बाद ऐसी कोई चीज़ कभी कभी नहीं करूँगा, कभी। रवि,
कितनी बार तुम झूठी कसम खाओगे और कितनी बार हम तुम्हारी झूठी बातें सुनेंगे। हाँ रवि, हमें तुम्हारी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। उसी प्लानचेट की वजह से वो आत्मा हमारे पीछे पड़ी हुई है। उसी ने शायद तुषार का ही हाल किया। और अनीता, वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हे भगवान, वो आत्मा कहीं, अनीता उसे उसका भी ये हाल ना कर दे। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, उस आत्मा को हमसे क्या दुश्मनी है? रविकेश, ये खेल तुम्हीं ने शुरू किया, अब खत्म भी तुम ही करोगे। मैं? मगर कैसे? हम उस आत्मा को वापस बुलाएंगे और उससे बात करेंगे। मगर क्या इससे वो आत्मा हमारा पीछा छोड़ देगी? इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। शायद इसी से हमारी मुसीबतों का अंत होगा। मुनालिका की आत्मा हमें आवाज दो। 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 कुछ हो क्यों नहीं रहा यार? कुछ वन सेकंड, लेट्स ट्राई, कम ऑन। मुनालिका की आत्मा हमें आवाज दो। 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 मुनालिका की आत्मा हमारे साथ है इसी कमरे में। पर दिखाई क्यों नहीं दे रही? रवि के शायद तूने हमें किस मुसीबत में डाल दिया यार। मैं क्या करूं यार? मैं देखता हूं। मुनालिका क्या था? वापस जाओ। मुनालिका क्या था? मुनालिका क्या था? वापस जाओ, वापस जाओ। नहीं मुनालिका, मुनालिका नहीं, मुनालिका वापस जाओ। मुनालिका क्या था? वो तुमने बुलाया था ना? नहीं, मैंने नहीं, मैंने नहीं। इसकी कीमत तुम्हें अपनी जान भी देनी नहीं पड़ेगी। याद करने की कोशिश करो, कहाँ पढ़ा था तुमने ये नाम? अब ये घनश्याम दादा हमें बचा सकते हैं। ये नाम, हाँ याद आया, मॉम ने मुझे एक मैगजीन दिखाई थी, मैंने ये नाम उसी मैगजीन में देखा था। घनश्याम दादा मुनालिका के ग्रैंडफादर थे, उसके दादाजी। मैं इस घर का केयरटेकर, मुझे आने में थोड़ी देरी होगी। तुम्हें सच में देर होगी आने में। प्लीज हमें बताइए कि घनश्याम दादा हमें मिलेंगे कहाँ? आप लोगों को घनश्याम दादा से क्या काम है? ये बताने का वक्त नहीं हमारे पास, ये हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है। मुनालिका की मौत के बाद तो घनश्याम दादा ये घर छोड़कर चले गए। मतलब तुम्हें अब नहीं पता है वो कहाँ रहते? मैंने उन्हें 3 महीने पहले सिमेट्री के पास जाते हुए देखा था, शायद वो वहीं मिलेंगे। विक्की,
हमें जल्द से सेमेट्री जाना होगा। चलो जल्दी। और हाँ, आप भी चलिए हमारे साथ। जी चलो, जी चलिए चलिए। घनश्याम जी, आपसे कोई मिलने आया? इनसे कह दो ये यहाँ से चले जाए। घनश्याम जी प्लीज, हमारी बात तो सुन लीजिए। मैंने कहा ना चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसा मत कहिए, मोनालिका की आत्मा ने कहा है आपसे मिलने के लिए। मोनालिका ने? जी मोनालिका ने। मगर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? दरअसल हमसे एक गलत काम हो गया है। गलत काम? घनश्याम जी, हमने प्लैंकचेट के जरिए मोनालिका की आत्मा को बुलाने की कोशिश की, मगर मोनालिका की जगह वहाँ किसी और की आत्मा आ गई। अब वो हमारे पीछे पड़ गई है। उसने मेरे तीन दोस्तों की जान भी ले ली। ये जरूर सोनालिका हो गई। सोनालिका? ये सोनालिका कौन है? सोनालिका और मोनालिका जुड़वा बहन है। मोनालिका की जुड़वा बहन? हाँ, कहते हैं ना जुड़वा बहनें होती हैं तो वो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकती। मगर सोनालिका मोनालिका के खून की प्यासी थी, वो उसकी तरक्की से चलती थी। यही काफी नहीं था कि उसने जादू टोना और तंत्र मंत्र सीखना शुरू कर दिया। उसने मुझे और मोनालिका को बहुत परेशान किया। कई सालों के बाद एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें सोनालिका का चेहरा बुरी तरह से जल गया। नफरत के बावजूद मोनालिका ने उसकी बहुत देखभाल की। फिर एक दिन एक एक्सीडेंट में दोनों मारे गए। मतलब मोनालिका की मौत आग में जलकर हुई थी? हाँ, अब जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि यह एक्सीडेंट सोनालिका ने ही करवाया था। उसी ने मारा है मेरी बच्ची मोनालिका को। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे तुम्हारे चेहरे में मोनालिका दिखती है। तुम बिल्कुल उसकी तरह लगती हो। ये क्या है? ये मोनालिका का पेंडेंट है। मगर ये तो आधा है। बचपन में मैंने इसके दो टुकड़े किए थे, एक सोनालिका को पहनाया था और एक मोनालिका को। मगर ये, तुम इसे अपने पास रखो, ये तुम्हें सोनालिका की कब्र तक पहुंचाएगा। इसका दूसरा हिस्सा अभी भी सोनालिका के गले में होगा और फिर तुम सोनालिका के कहर से मुक्त हो जाओगे। जाओ, इसे लेकर जाओ। कहाँ है जहाँ सोनालिका की बॉडी को दफन किया गया है? उसके शरीर के पास ही हमें इस लॉकेट का दूसरा हिस्सा भी मिलेगा। तो फिर चलो ढूंढते। मैं वहां देखती हूँ। मैं उधर। हाँ। कौन है वहां? कौन है वहां? कौन हो तुम? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी ना, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। सोनालिका, ये तुम कर रही हो ठीक नहीं कर रही हो। सबको खत्म कर दूंगी। देखो, तुम्हें इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। ये मत बोलो कि मैं तुम्हारा।
अरे विक्की, विक्की संभालो, ध्यान से, लगी तो नहीं? Hey guys, ये देख, ये पेंडेंट चमक रहा है। ये शायद हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। विक्की, यहाँ खोदो, सोनालिका की बॉडी यहाँ गड़ी है, खोदो। जल्दी से मशाल जलाओ, मशाल जलाओ। रुको, पहले पहले हमें पेंडेंट का दूसरा हिस्सा ढूंढना है। ला, वो पेंडेंट मुझे तो, मैं इसके दूसरे हिस्से को ढूंढता हूँ। हाँ। मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। नरक में जाने की तैयारी करो। ये देखो, ये है इस पेंडेंट का दूसरा हिस्सा। विक्की, जल्दी से इन दोनों को जोड़ दो, जल्दी। ये क्या हो रहा है? विक्की जल्दी करो, विक्की जल्दी करो, जल्दी करो, विक्की जल्दी, विक्की संभालो, ओ विक्की, विक्की संभाल के। मैं इसे ज़्यादा देर संभाल नहीं सकता, जाओ कहीं मशाल लेकर आओ। मशाल, मशाल, जल्दी जाओ, जल्दी। अब मशाल सोनालिका की लाश पर फेंक दो। विक्की, तुम्हारा क्या होगा? मेरी फिक्र मत करो, लाश पे फेंक दो, फेंक दो। तान्या, जल्दी जल्दी करो। Oh!
आज से सोनाली का ख्याल रखना। इसी प्लानचेट की वजह से आज तुषार, रविकेश और अनिता हमारे बीच में नहीं रहे। तानिया, अब मुझे जाना होगा।